नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रदीप शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा मेरी बहुत काम की इम्पोर्टेंट बात को। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कर्मचारी जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग है, उसने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और बहुत बढ़िया फैसला लिया है। किसके संदर्भ में? सूचना सहायक के विद्यार्थियों के संदर्भ में। क्योंकि आपको अच्छा से पता है कि पिछली बार यहाँ पर वैकेंसी हुई, भर्ती हुई, पर पद खाली रह गए थे। 40% लाना अनिवार्य था, पर काफ़ी बच्चे यहाँ तक नहीं पहुँच पाए और पद खाली रह गए। ठीक है, तो जो बच्चे बिल्कुल कगार पर खड़े थे, बिल्कुल कुछ पॉइंटों पर खड़े थे, उनका दिल टूट गया होगा, काफ़ी हताश भी होंगे, निराश भी हुए होंगे। अब यहाँ पर आप लोग धन्यवाद दीजिएगा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को, क्योंकि ऐसे जो स्टूडेंट जो पॉइंटों से रह गए थे, उनको अब कहीं ना कहीं बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है, बहुत अच्छा फायदा मिलने वाला है। ठीक है ना, तो बिल्कुल सरकारी नौकरी का दिया उनके यहाँ भी जलने वाला है। मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर सूचना सहायक पद खाली रहे इसलिए 40% अंक नहीं आने पर मिलेंगे 3 ग्रेस अंक। तो ध्यान दीजिएगा, देखो फिर भी आप लोगों को वहां तक तो पहुंचना ही पड़ेगा भाई। आप लोग सोचो कि नहीं, ये भी काम अपना आसानी हो जाएगा, आपको लगभग इतना करीब तो पहुंचना ही पड़ेगा, तब जाकर आपका काम बनेगा कि ये नंबर आपके कब आ पाएंगे, 3 ग्रेस अंक मिलेंगे। चलो इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज लेते हैं, बहुत प्यारी सी जानकारी। राजस्थान में पहली बार किसी भर्ती परीक्षा में ग्रेस अंक मिलेंगे और ये अब तक के इतिहास की पहली घटना है कि बच्चों को कौन से अंक मिलेंगे, ग्रेस अंक यहां पर मिलेंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के अनुदेन 3 अंक तक देगा। कौन से विद्यार्थियों को मिलेंगे ये? सूचना सहायक के जो विद्यार्थी हैं। किसके विद्यार्थी हैं? जो कि स्टूडेंट है किसके? सूचना सहायक के विद्यार्थियों को ये बेनिफिट मिलने वाला है। तो भाई तैयार हो जाओ, अब तो करीब पहुंचने वाले भी हताश नहीं होंगे। ठीक है ना, अगली बात, परीक्षा के अनुग्रह 3 अंक दिए जाएंगे। बोर्ड या नियुक्ति करने वाला विभाग यह अंक अपनी मर्जी से दे सकता है, ये भी बहुत बड़ी बात है भाई। ठीक है ना, इस भर्ती में चयन के लिए अभ्यर्थी को परीक्षा में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने होंगे। किसी अभ्यर्थी को इतने अंक न मिले और बोर्ड अपने स्तर पर 3 अंक तक दे सकता है। तो वो डिपेंड करता है काफ़ी चीज़ों पर कि सर, वो डिपेंड काफ़ी चीज़ों पर किस पर करता है? तो देखो विद्यार्थियों, वो हो सकता है आयु पर डिपेंड करता हो, ठीक है ना, हो सकता है वो आपकी विशिष्ट योग्यताओं पर डिपेंड करता हो, वो डिपेंड करता हो जैसे खेल कोटे में इनमें, ठीक है ना, वो कोटा वो डिपेंड करता हो, एक्समैन हो, कोई सर्विसमैन हो उसके लिए, आर्मी वाला, कोई विधवा, कोई ऐसे कोई भी एक सिस्टम हो सकता है जिसके अंदर उनको लगता हो कि हाँ इसको रिक्वायरमेंट है, तो वो 3 अंक वहाँ पर वो दे सकता है। ये एक बहुत बड़ी बात है ताकि वह चयन बोर्ड दौड़ में शामिल हो सके। कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हरि प्रसाद शर्मा जी बोले, अनुग्रह अंक तभी मिलेंगे जब भर्ती में योग्य अभ्यर्थी न मिल रहे हो, पद खाली रहने की नौबत रहे। अब ओबियसली दिखती हुई बात यह है, हरि प्रसाद शर्मा जी ने यह भी तब कहा कि ऐसा तब होगा जब क्या होगा, जब आपके यहाँ पर पद खाली रह रहे हों। ऐसे नहीं कि पद पूरे भर चुके, 40% विद्यार्थी नंबर ला चुके, उसके बाद में भी इंतज़ार कर रहे हों बैठे बैठे कि नहीं साहब हमें 3% अंक मिल जाए, हमें 3% अंक मिल, ऐसा नहीं होगा। अगर पद पूरे भर गए, ठीक है, आपको मैं बता दूं पद कितने हैं, 2730 पद हैं। अगर ये 2730 पूरे पद भर जाते हैं तो 3% आपके अंकों की या 3 अंकों की आपकी कोई वैल्यू नहीं है, 3 अंकों की कोई वैल्यू नहीं है, ध्यान रखना, अगर ये पद भर जाते हैं तो। हाँ, अगर ये पद नहीं भरते तो ऐसी कंडीशन में आप लोग क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं कि सर हमें शामिल कीजिएगा। वो अब मैंने फिर से बता रहा हूँ आप लोगों को, चाहे वो खेल से संबंधित हो, चाहे स्पेशल योग्यता रखते हो, कोई राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित हो, ऐसे स्टूडेंट जो कि विशेष योग्यताएँ रखते हो वो जाकर ये काम कर सकते हैं। ठीक है ना, देखो आवेदन प्रक्रिया कल से शुरू हो चुकी है, बिल्कुल आपको ये भी पता होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन 27 जनवरी से शुरू होंगे, अंतिम तिथि इसकी कितनी है, 25 फरवरी इसकी अंतिम तिथि है, ये भी आपको ध्यान रखना। 27 मतलब महीने भर का टाइम दिया है फॉर्म भरने का, आराम से तसल्ली से इत्मीनान से फॉर्म भरिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा, फॉर्म को बिगाड़ना नहीं है, फॉर्म को सुधारना है। ठीक है ना, इस भर्ती के लिए 2 भागों में परीक्षा होगी। प्रथम भाग में 100 अंकों का पेपर होगा, ध्यान रखना कितनी पारियों में होने वाला पेपर है, 2 पारियों में होगा। पहली पारी में 100 अंकों के लिए होगा जो कि 3 घंटे का होगा, बहुत टाइम है भाई, 3 घंटे का होगा।
इसके बाद दूसरे भाग में टाइपिंग टेस्ट होगा, इसके लिए 3 गुना अभ्यर्थियों की सूचीबद्ध किया जाएगा। पहले भाग में 40% अंक मतलब 40% और एससी एसटी के लिए 36%। ध्यान रखना अंक प्राप्त करने पर ही टाइपिंग स्पीड टेस्ट लिए के लिए पात्रता होंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखो कितनी गजब की बात है, यहाँ पर आप लोग देखो पहले तो एक फार्म भरने में ध्यान रखना, काफ़ी बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, फिर उनको एग्जाम हॉल से बाहर निकाल दिया जाता है, तब वो बहुत परेशान होते हैं कि मेरी मिस्टेक क्यों की। नामों को आप पिताजी के नाम का, सबके नाम का, डेट ऑफ बर्थ का और एड्रेस का भी, एड्रेस वही भरें जो कि आपके आधार कार्ड में, एड्रेस वो ना भरें, चाहे जो एड्रेस भर देते हो आप, फिर जब मिलाते हैं तो फिर दिक्कत होती है उस टाइम पर, ठीक है ना। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए आपका जो पहला पेपर होगा 100 अंकों का है, उसके लिए 3 घंटे हैं भाई, परेशान नहीं होना, आराम से मजे से कर सकते हो, 3 घंटे बहुत होते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा क्या करें, टाइपिंग टेस्ट दूसरा एग्जाम है इसका, पर उसके पहले आपको 40% अंक जरूरी है और एससी एसटी के विद्यार्थी 36% नंबर लेके आना अनिवार्य है। ओके मेरे शहरों, तो ये हुई बात आपकी यहाँ पर प्रक्रिया में आवेदन की, और सूचना सहायक विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी खबर है अगर ऐसा होता है तो, पर मुझे नहीं लगता कि 40% से नंबर अब की बार किसी के कम आने वाले हैं, क्योंकि मुझे पता है ये वही स्टूडेंट है जो अब की बार इस एग्ज़ाम के अंदर कि 40 नहीं 60 रख दो, हमारे 60% आएंगे। तो बिल्कुल मैं ऐसी आशा करूंगा कि जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं और इस बात के लिए उनको बिल्कुल एग्री होना है, ज़बरदस्त तरीके से इसके ऊपर मेहनत करना है कि मौका ही नहीं मिले कि 3 ग्रेस देने का, ऐसा किसी को मौका नहीं मिले, ठीक है ना। तो बढ़िया मेहनत कीजिएगा, अच्छी मेहनत कीजिएगा, पूरी टीम हमारी आप लोगों के साथ जुड़ी हुई है, मस्त रहिएगा, बिंदास रहिएगा, मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ रहिएगा। खुशखबरियां आपके पाले में यानी 2023 में आना शुरू हो चुकी है, और भी बढ़िया बढ़िया खुशखबरियां आएगी सरकारी नौकरी के साथ। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे से विद्यार्थियों, आप लोग मेरे साथ जुड़े और इस सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपको कुछ और विशेष जानकारी लेनी है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर करें, आपको आंसर परफेक्ट मिलेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।